I turned back, I walked up to him, and in front of everyone, I pulled his arm and I slapped him. Wow. And I was only, I must have been 12 or 13 or something like that. Radio City! Considering as being a girl, I think this interview is going to be probably the most empowering. I know you hate being told that you make only women power movies, but trust me. मैं एक ऐसे देश में मैंने जन्म लिया था कुवैत में जहाँ लड़कियाँ बाहर they were not allowed to go out because it's not safe for them. And now in our country, these are the questions being raised. So firstly, I want to thank anyone and everyone who's involved in this project. Thank you tahe dil se. Aur kyunki Radio City pe humne women safety ke bare mein bahut baat ki hai in the past, I just want to do a quick round with each of you ki how safe do you think are our women even today? I know bahut aise lagta hai ki we're going back in time, but I genuinely want to know aapki raaye kya hai hindi mein. I think mahol nahi hai tandurust mahilaon ke liye, ladkiyon ke liye. और मैंने हमेशा से यही कहा है कि हम हमेशा बड़े बड़े बदलाव की बात करते हैं, बड़े बड़े चेंजेस की बात करते हैं, जबकि एक छोटे कदम से भी बहुत इम्पैक्ट हो सकता है. सिंपली कि आप अपने बेटे की परवरिश सही करिए, तो जो बेटियां हैं उनकी देखभाल अपने आप हो जाएगी. आप जब ग्रो अप कर रही थी, डिड यू ट्रैवल ऑल इन द मॉर्निंग, कभी ट्रेन लिया, कभी वैसे माहौल में? मतलब पूरा कॉलेज मैं ट्रेन से गई हूँ. और कभी डर लगता था? बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट हम यही बात कर रहे थे जयपुर में. Yes. इसके बारे में कि मैं जब बड़ी हो रही थी, मैं इनसे काफ़ी बड़ी हूँ, तो माहौल ऐसा नहीं था. हमारी सोसाइटी इतनी अग्रेसिव, इतनी टॉक्सिक, इतनी अनसेफ नहीं थी. मतलब जो हम कहानियाँ सुनते हैं, कोई मतलब वो कैब वाले के साथ इंसिडेंट हो गया या रिक्शा के साथ इंसिडेंट हो गया, पहले ये चीज़ें होती थी कि ये एक ऐसे बहुत दूर के कोई नेबरहुड में हो रहा है, बट अब ये बांद्रा में होता है, सांता क्रूज में होता है, जुहू में होता है. इट्स जस्ट राइट नेक्स्ट टू अस. या यू हैव योरसेल्फ दीपू बहुत ट्रैवल किया है अपने रिक्शाज में, यू वर बैक इन बैंगलोर फिर मुंबई, नॉट आस्किंग विच सिटी, लेकिन कभी ऐसी अनसेफ फीलिंग रही थी? बिकॉज आप अकेली भी रहे हैं. I think my parents काफ़ी concerned थे, because when I was 16 or 17 I moved to Mumbai from Bangalore. और मैं model थी. हाँ. And so जब भी मुझे shows के लिए जाना होता था, we would finish, you know, late at night. Yeah. I had to lug a suitcase because I had to carry, you know, we had to carry our own undergarments, our own shoes for the shows. So, and I was living in Andheri with my aunt. अपने आंटी के साथ मैं रह रही थी. और ज़्यादातर शोज़ अगर मैं मुंबई में होती थी तो टाउन साइड होते थे शोज़. दिल्ली बहुत जाना पड़ता था. बहुत मतलब मैं बहुत घूमी हूँ. इवन एज अ बैडमिंटन प्लेयर आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट बाई ट्रेन, बाई बस. व्हेन आई यूज़ टू रिप्रेजेंट द स्टेट, दैट्स द वे वी यूज़ टू ट्रैवल. मैं डॉर्मेट्रीज में रह चुकी हूँ. पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. बट आई हैव टू से कि fortunately mere sath I've never felt unsafe. I've never had an incident. Right. Ki, okay, there's something now I have to be like stronger, stand up firmer, or maybe use my bag in the front, you know. Ladkiyan bahut karti hain ye sab. Mere time pe to nahi, par mere sath hua hai. Kya railway station ke platform pe seedhiyon pe footover bridge pe chadte utarte main school ka matlab college ka bag aise samne pakadti thi, क्योंकि लोग टकराते थे, जान के टकराते थे, होता था. तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो नहीं हुआ है, पर मुझे ये इंसिडेंट क्लियरली याद है जब मैं स्कूल में थी. एंड हर सैटरडे संडे को ब्रिगेड रोड करके एक रोड है बैंगलोर में जहाँ शॉप्स होते हैं और लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, खाना खाने जाते हैं. सो वन इवनिंग, आई थिंक इट वाज अ सैटरडे इवनिंग, और हम ऐसे ही मतलब ऐसे चल के जा रहे थे और मैं आगे थी, नहीं एक्चुअली मेरे पापा और बहन आगे थे और मैं पीछे थी, और हम चल के जा रहे थे. एंड दिस मैन जस्ट लाइक ब्रश्ड पास्ट मी एंड वॉक. और एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, यू नो ये नॉर्मल नहीं था. 100% ये मतलब वो गलत वाला नहीं था कि ओ सॉरी लाइक यू नो मैंने देखा नहीं. और ये एंड आई एम श्योर यू नो द गुड टच बैड टच, सो आई कुड मेक आउट. एंड इमीडिएटली फर्स्ट इट टुक मी अ कपल ऑफ सेकेंड्स कि ये अभी मतलब अभी क्या हुआ. इट टुक मी अ कपल ऑफ सेकेंड्स एंड देन आई रिमेंबर आई टर्न्ड बैक, आई वाज वॉकिंग विद माय मदर. I turned back, I walked up to him, and in front of everyone, I pulled his arm and I slapped him. Wow. And I was only,
I must have been 12 or 13 or something like that. And I think that is the day my parents realized ki, I'm not saying that it justifies actions. I'm not saying that it allows men to be a certain way. And I certainly do not believe that it is women who have to protect themselves. Why should women have to even be in that position to have to protect themselves, right? But khuda na khasta, if something like this were to happen to me, I think that's the day my parents realized ki, she can take care of herself. She can move from a city like Bombay to Bangalore to Bombay. And we know that, not to say that they'll not be worried as parents, but if ever I was in a situation, they knew I would take care of myself. So that, I mean, that's just an incident, but that doesn't mean that people can, mujhe bahut, I get angry jab log kehte hain ki women should learn self-defense. अगर आप सीखना चाहते हो क्योंकि बिकॉज इट्स जस्ट समथिंग यू वांट टू लर्न फॉर योरसेल्फ ग्रेट बाय ऑल मींस मैं कुकिंग भी सीख लूंगी मैं ये सेल्फ डिफेंस भी सीख लूंगी क्योंकि मुझे शौक है बट टू हैव टू डू इट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इज इट इज अपॉलिंग सो एवर सिंस आई हैव सीन विक्रांत आई एम श्योर आप दोनों बहुत एग्री करोगे कि ही लुक्स लाइक सच अ नाइस बॉय लाइक यू वांट टू पुट योर इंटरेस्ट योर लाइफ इन हिज हैंड लुक्स लुक्स लाइक एक सेकेंड यू हैव टू टॉक बिफोर ही डज ये क्या है नो विक्रांत मतलब आपका नाम होना चाहिए था विक्रांत मस्ती हाँ वो भी व्हाई नॉट या दैट्स कूल बट समहाउ फ्रॉम द टाइम आई हैव वॉच्ड यू एज फ्रॉम बालिका वधु आई थिंक देयर वाज दिस वेरी नाइस थिंग अबाउट यू घर लेके जाओ वाला ना even when I see broken like I'm like he's so nice like why aren't men more like this no I disagree with you I think you can write characters like that but sometimes the goodness has to be there and you have to be a good person somewhere deep down inside for it to show you were saying na camera sab kuch pakad le wo to hai Look at his eyes. Let's all stare at his eyes. But they're saying you're not that nice. So ye kya hai? Ye wala part kya hai? No, I'm not saying he's not that nice. I'm saying he's not Sida. Only the goody two shoes that his face shows. There's mischief side. There. That's why you're such a fabulous actor. But I have to ask, kyunki ye, I don't know, to me at least she seems a bit intimidating, though I know she's most loving. Everyone loves her like she's a teddy bear. Matlab, I think unke kaam ko lekar, unke craft ko lekar, wo kaafi, like she's into it and how. Not that it's not a bad, yeah, for sure. Kabhi aise laga ki she was like bossing over you or like she was giving you. Wo kya hota hai ki har director ke saath jab aap kaam karte hai, ek... एटलीस्ट आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ कि एक वो होता है कि एक टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप मेरे लिए मैटर करता है आई सी इट दैट वे बिकॉज यू सरेंडर योर एस्पिरेशन इन लाइफ एंड सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ टू समवन बिकॉज दे लीड यू एंड इफ दिस इज अ डायरेक्टर्स मीडियम तो आप इनको किस किस्म के डायरेक्टर मानते हैं सबसे अव्वल दर्जे के डायरेक्टर हैं ये तो हम सबको पता है ये वी तो नो दिस थिंग तो ये तो बट कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन ये गुड वी आर सीइंग हर इन अ डिफरेंट लाइट जी तो कमिंग बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन डर तो रहता ही है और वो होना भी चाहिए मेरे ख्याल से वो हर डायरेक्टर के साथ होना चाहिए वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो आई थिंक डर से ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है तो वही है Yeah. But there must have been some fabulous influence आपके लाइफ में क्योंकि हम वही बात कर रहे हैं और पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड ये बात कर रहा है कि the men have to be taught. तो आपकी लाइफ में क्या वो right teaching थी कि वो हेलो दिखता है? I was very lucky. I have always said this thing. मैंने तीन चार जगह ये कहा है कि I come from a very basic middle class family. हमारे घर के आदमी सुबह उठ के तैयार होके नाश्ता करके चले जाते थे रात को आते थे खा के सो जाते थे सो वी वर रेज्ड ऑल एंड नॉट जस्ट द मेन इन द हाउस द बॉयज इन द हाउस द गर्ल्स एंड एवरीवन दे वर ऑल रेज्ड बाय मदर्स दादीज नानीज मासीज बुआज तो शायद उस वजह से मैं थोड़ा ठीक ठाक हूँ उस मामले में एंड आई बिलीव इन दिस फैक्ट कुछ ज्यादा ही ठीक ठाक हो एक्सप्लेन दैट No, but I will complete that. अच्छा ही है, that goodness that you're seeing is it's all that. I mean. Thank you. तो उस वजह से ही है मेरे ख्याल से. Equality थी घर पे कि. बिल्कुल. कि आप रात. In fact, I would say it was a 60-40 in my house. I come from a very matriarchal family.
तो हमारे लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजंस जो होते थे वो औरतें ही लेती थी हमारे घर में. तो जब एक्टर बनना था पूछ के आए थे? नहीं, उनको तो पहले से ही पता था. यू नो व्हेन आई यूज्ड टू डांस अ लॉट इन स्कूल, मैं स्पोर्ट बहुत खेलता था, यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड ऑल. तो एल्फ ल्यूब्रिकेंस की एक टीम थी आज़ाद मैदान में, मैं उनके लिए भी प्रोफेशनली खेलता था. बट मेरे आई वॉज वेरी लकी, स्कूल में जितने भी मेरे टीचर्स थे, जितने भी प्रिंसिपल्स थे, वो लोग थे, दे सॉर्ट ऑफ यू नो दे पुश्ड मी इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स परफॉर्मेंस आर्ट्स. तो वो मेरे पेरेंट्स को पहले ही बोल दिया था कि ये कुछ परफॉर्मेंस आर्ट्स में ही करेगा. तो तब से वो आई थिंक वो ग्रूमिंग ही वैसी हुई थी मेरी. तो कोई शौक नहीं लगा किसी को कि मैं कल को, अब डांसर भी था जब, तो दे वर नॉट सरप्राइज. कभी बॉडीगार्ड बनना पड़ा फ्रेंड्स के? बॉडीगार्ड? या यू नो लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ फ्रेंड्स एंड फैमिली हैज टू बी प्रोटेक्टिव ऑफ द वुमेन. तो कभी सॉरी सनी, व्हेन यू सेड बॉडीगार्ड आई वाज थिंकिंग ऑफ लाइक हां इधर ऐसे सफारी चल रही है, मैंने भी इमेजिन कर लिया ग्रे सफारी में अपने आप. No, like when you are out traveling with friends and there are girls in the group, yeah. Did you feel responsible for their security? Did you have to kind of, I think that's what she was asking. There was aisa koi untoward incident nahi hua aaj tak. I have a lot of cousins jo ladkiyan hain. But ek generic tarika hota hai, jaise maan lijiye jab hum college mein the, रात को 12-1 बजे अगर कोई जा रहा है तो उनको छोड़ने चले जाते हैं. तो ये बेसिक जेस्चर होता है, कोई ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी. ऑल्सो आई कम फ्रॉम बॉम्बे, बॉर्न एंड रेज्ड इन बॉम्बे. आई एम द थर्ड जनरेशन फ्रॉम माई फैमिली इज फ्रॉम बॉम्बे. और मेरा ये मानना है कि बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, ये जो भी जगह, दे आर नॉट रियल इंडिया. आप इन जगहों से 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको असली हिंदुस्तान वहीं दिखेगा. एंड वुमेन सेफ्टी की जो बात हमने शुरू की, आई थिंक जैसे इन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों से भी बड़े बदलाव आ सकते हैं इवेंचुअली. यू नो इट ऑल बिगिंस विद द स्मॉल स्टेप. एंड आई ऑल्सो बिलीव कि सारी शुरुआत घर से ही होती है. आपके घर में क्या तरबियत आपको मिल रही है, क्या वैल्यू सिस्टम है, वही आगे चल के आप औरतों को किस नज़रिए से देखते हैं और अच्छी बुरी चीज़ को किस तरह डाइकोटोमाइज करके एक अपने दिमाग में रखते हैं. तो आई थिंक वो घर से ही शुरुआत होती है. आपने इनको वेट पुट ऑन करने के लिए बोल दिया, मतलब क्या, मतलब पतले ही वो? मैं बहुत पतला था यार. सच में मैं बहुत पतला था. मैं खुद अभी न्यू ईयर पे जो एक ईयर एनिवर्सरी पे नहीं आते फेसबुक पे फोटोज आती है, हाँ दिस टाइम लास्ट ईयर टाइप्स, तो आई वाज लाइक कि यार थैंक गॉड छपाक हुई, तो इसी बहाने थोड़ा 8-10 किलो बढ़ गया मेरा तब. कैसे इवन द यू सॉ द ड्रास्टिक चेंज बिटवीन योर फर्स्ट लुक टेस्ट एंड योर सेकंड वन? आल्सो यू, आई थिंक यू वर just coming out of an illness as well, so which is yeah. इस वेट पुट ऑन करने के लिए आप कितने मार्क्स और क्रेडिट दे रहे हैं विक्रांत को? मैं नॉट एंटायरली हैप्पी. क्यों? व्हाई वुड यू से दैट? नो नो, लेट हर से नाउ व्हाट इज शी. आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट योर फ्रेम लुक्स अमेजिंग इन द फिल्म. यू लुक लाइक अ डिफरेंट वर्जन ऑफ यू इन छपाक. आई जस्ट टोल्ड यू दैट दिस आफ्टरनून. तो ज़्यादा ज़्यादा वो ढोंस जमाने के लिए दाढ़ी बड़ी करनी, क्या क्या किया आपने लुक चेंज करने के लिए? खाया बस. मैंने ढेर और मेरे घर के नीचे उसी वक्त करिश्मा कॉमन फ्रेंड हमारी, उनके घर के नीचे एक घसीटाराम खुला था नया. मेरे सारे ऑर्डर वहीं से आते थे और दाढ़ी तो मुझे वैसे ही पसंद है. Exactly for that time frame. और वो बंद भी हो गया. वो बंद हो गया अभी. I'm not kidding. सुनो, इन्होंने ना भी recently बोला था कि मतलब even Ranveer is not so interested in food as she is. I don't know how and which angle. But boss, she is. She is. Her metabolism is very high. No, because she's been an athlete. I will bear testimony to. It is such a pleasure to watch her enjoy her food. क्या 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 खाती हैं? Please. मतलब मेरे साथ तो जितने भी meals हुए हैं, they've revolved around mutton जो मेरे husband ने पकाया है हमारे लिए. तो and she's really enjoyed it and he's enjoyed watching her eat. But what all? Like did she have sweets? Did she have ghasita ram? Everything. लेकिन फिर आपको फिर शाम को जिम में उतनी मेहनत करते हुए भी दिखती हैं. आप कुछ भी खिला दो, मटन, चिकन, राजमा, चावल, ऐसा नहीं. आप खुद क्यों नहीं बात कर रही हैं? आप इनसे पूछिए ये सवाल. Are you serious? More than Ranveer, you're interested in खाना? No, we're both.
I said that you're I more think more about yeah. food than I think about him. But we both think about food a lot. So, kya, what is your favorite? Like, you don't think it's sinning having... because I remember you were saying that it's mithai. You know, like, yeah. when cocktail did well, that you ate brownie, you cheated. So, I thought, oh, that is something that she doesn't have usually. No, that was for that specific character. I needed to be extra, ultra fit for the kind of clothes that that character had to wear. Jeez. But at the same time, I'm not someone who... I do everything in moderation. Yeah. And I've had a very disciplined lifestyle because of being an athlete in my earlier years. So it's like Monday to Friday hum sirf ghar ka khana hi khate the. Breakfast, lunch and dinner was home food. And itna nahi hota tha tab ki order karo yahan se and all of these. Zomato. Naam nahi lena chahte the. But all of the delivery apps itne nahi matlab tha hi nahi us zamane mein. I'm saying zamana as if it was like a different zamana, but these are all new things. This is all new India, new age. So ye ghar ka sindhi khana khaya hai? Of course, every Sunday. What every all? Sunday sindhi food sindhi it's kadhi? Standard. There's rice, there's sindhi kadhi, there's alu tuk, there's sai bhaji. Yeah. Every Sunday. Abhi, kyunki main Sindhi hu, to aapko main Sindhi puchha raha hu, kitna seekhe ho? Kaun se word seekhe? I don't know. I don't know anything. So today you will tell your husband. Okay. Dado sutho tolagi. Oh, this I know. Dado sutho I know. Dado sutho tolagi. To? Dado sutho tolagi. Tolagi. Okay. Matlab? And matlab you look very good. But I think you should do one. It's not a gali, but it's like a get lost. Yeah, you know this. With the hand? How do you know this? Yes. Because I. Lalat thai. Lalat thai. Lalat thai. Haan. It sounds like taka taka thai. You want to try it? Lalat thai rani. Lalat thai. Haan. Means what? Matlab get lost. Go no, ahead. No. I take that back. No, so I know this with chadiya mua. Haan, chariya. Chadiya mua is basically this action got into the Sindhis, but it's actually like godo hai, like all my fingers, not like one, all. Like one. Yeah, main ek sawal puchna chahta hu. Sorry, bahut hi off the track hai. Sindhiyon ke itne baal kyun hote hain? Oh God. Yes. इतने बाल क्यों होते हैं? I am suddenly now very embarrassed because I'm trying to look this like. नहीं. But generally. Genetics. Yeah. सब. 1000%. Ranveer's nana, father, Ranveer himself, they mother, sister, everyone, they just like. So much hair. Even if it grays, even if it gets white, like nana's hair is. White. Yeah. There's not like full, but it is a Ghane. Full Ghane head of hair. Good, now you're lucky, no? Achhi I know you're talking about other things. No, haan, matlab aise gardan se, shoulder se. Oh, you're talking about, oh, sorry. Sorry, I've met, main aise Sindhi hoon. We will ask. These Sindhis, I don't know. Oh, yaar. Shit, kya I have enjoyed watching how emotionally invested she has been in this. I love her. I love the way she has been. Like, to me, Deepika is the epitome of what a woman should be in her involvement in every way. Like, in terms of her physicality, in terms of how she's led her life. And now, this character. You know, when she was coming to promote, this is how you feel. Like, why that empathy does not exist? Why is a woman against a woman? Why don't we feel this? And how would you rate that empathy jo Deepika mein hai? One, I think that it's a great facet to have in your personality because usse aap kya hote ho, aapki jo shakhsiyat hoti hai, wo ek sponge ki tarah ho jati hai. Wo empathy ki wajah se. Jisse cheezein andar bhi aati hain aur jisse aap cheezein bahar bhi dete hain. Aur jab wo empathy, wo investment, wo submission aap ek film ko dete hain, वो जब पर्दे पे दिखता है वो मतलब किसी और चीज के बराबर नहीं होता इट्स स्पेशल व्हेन यू वर कास्टिंग हर एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस वुमेन वी हैव और आपको इस रोल के लिए उनको ढालना था आपके मन में क्या चल रहा था कि आपने ये कास्टिंग कैसे सोची मुझे दीपिका और लक्ष्मी में बहुत सारी समानताएं दिखती हैं फिजिकली आई फील दे रिजेंबल ईच अदर रिसर्च के दौरान मैंने लक्ष्मी की अटैक से पहले की तस्वीरें देखी हैं और दीपिका की
आठ या दस साल पहले की अगर आप तस्वीरें देखें तो द सिमिलैरिटी बिटवीन देम इज़ अनकैनी. दैट वॉज माई फर्स्ट स्टेप and it always is my first step ki the you know when you start finishing coming to the end of your script aapke characters form ho jate hain to phir aapko nazar mein actors dikhne lagte hain ki aapko ye character ke liye ye actor chahiye ye character ke liye ye actor chahiye to 3 saal pehle se inki shakal dimag mein ghoom rahi thi. Deep, don't ask me why, but I see you see people for who they are. I mean, I don't know why, don't ask me. But main dekhti hu ki aap logon ko judge nahi karte ho. That's because she's an empathetic person. Aap bahut feel karte ho logon ke liye. To ab jab dekhte ho na to aap I can see there's genuine love when you hug or how you express yourself. But in our country we are obsessed, right? Fair skin, pretty, ye matlab beauty pe bahut zor hai. You want to tell us ki I mean, I actually want this to be a lesson. क्यों लोगों को उससे थोड़ा दूर जाना चाहिए एंड बी लेस ऑब्सेस्ड अबाउट फिजिकैलिटी. आई नो बहुत बहुत हैवी सवाल है बट आई वुड नॉट से लेस ऑब्सेस्ड ऑब्सेस्ड अबाउट फिजिकैलिटी. आई वुड नॉट से लेस ऑब्सेस्ड विद फिजिकैलिटी. आई वुड से लेट्स बी मोर इंक्लूसिव विद दैट. तो अगर हमने हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कि ब्यूटी ये है या लाइक इट इज लाइट आइज और लॉन्ग हेयर और फेयर स्किन और टॉल और शॉर्ट और वट एवर, लेट्स ब्रॉडन दैट, लेट्स मेक दैट इट नीड्स टू बी आई थिंक बिकॉज ब्यूटी इज सच एन सब्जेक्टिव थिंग एंड वी सो स्क्यूड इन आर अंडरस्टैंडिंग कि ब्यूटी यही होती है, लंबे बाल, गोरा चेहरा, light eyes or you know, so we are very set with, and not just in India, globally ये ऐसे होता है. तो I think through this film हम इस चीज़ को challenge करना चाहते हैं और हम इस perspective को broaden करना चाहते हैं. And it's such a beautiful, yeah, लक्ष्मी हो या लक्ष्मी जैसी और भी लड़कियाँ हैं वो भी खूबसूरत हैं. In fact, actually I want to add something. I don't know कि मैंने आपको दोनों को ये बात पहले बताई है कि नहीं. आई थिंक महीना भर पहले मैंने अखबार में एक ऐड देखा जो कहता है कि अपने जॉब इंटरव्यू के लिए, अपने करियर के फ्यूचर के लिए पूरी तरह से तैयार होकर जाइए, लिप फिलर, बोटॉक्स, जॉ इन्हेंसमेंट, नोज रिस्ट्रक्चरिंग, ये एक इश्तहार था अखबार में एंड इट वॉज अ क्लिनिक्स एड. अब मुझे ये बताइए कि वो वक्त कहाँ गया जहाँ हम कहते थे कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, ये कोचिंग क्लासेस हैं, ये आपको अच्छे मार्क्स ला के देंगे तो आप जाके अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे. सोचने वाली बात है. विक्रांत, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो आपके कैरेक्टर में है वो रियल लाइफ में शादी नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बीवी के लुक्स को लेकर सब लोग बात करेंगे कि दुल्हन ऐसे दिखती है. एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट. सो रियल लाइफ में लक्ष्मीज बॉयफ्रेंड, आई मीन वट एवर लिव इन पार्टनर, डिड नॉट मैरी बिकॉज ही सेड पीपल विल कम एट द वेडिंग एंड से कि ओ अच्छा दुल्हन है. आई विल टेल यू व्हाट द थॉट इज, यू इट्स योर लाइन. उनका मानना ये है आलोक का कि जो मुंह दिखाई की रस्म होती है अगर वो शादी करेंगे और वो रस्म होगी तो रिश्तेदार जब मुंह दिखाई की रस्म करने आएंगे और घूंघट उठाएंगे तब जो लक्ष्मी पे बीतेगी वो नहीं चाहते कि हो. और उनका ये मानना है कि क्योंकि मुंह दिखाई की रस्म होती है इसीलिए मुंह पे तेजाब फेंका जाता है. Has the restriction happened all? इसकी गहराई सच्ची है. आपके लिए फिल्म स्पेशल आई एम श्योर है. क्यों है? क्यों है? बहुत सी रीजंस हैं. वेरी ऑनेस्ट प्रैग्मेटिक, सबसे पहले ये है कि एनी आर्टिस्ट वुड लाइक एक एट वन गो हाउ विल यू बी एबल टू टिक ऑफ दीज थ्री बॉक्सेस लाइक गुलजार साहब, मेघना गुलजार एंड दीपिका पाडुकोन. तो एक ही जगह पर आप अगर अपनी विश लिस्ट के तीन बॉक्सेस टिक कर रहे हैं तो दैट इज दैट अपॉर्चुनिटी तो कोई गधा ही छोड़ेगा. बताओ सच्ची, डिड यू फॉरगेट योर लाइंस एवर? नहीं, बहुत डर था मुझे, बहुत डर था लाइनों को लेके. वन लाइन एज अ प्रोड्यूसर, हाउ चैलेंजिंग इज इट?
Hey. Yes, it is. I'm not going to lie. I think it's been a great learning experience. बहुत बहुत सीखा है मैंने, सीखने को मिला है. But yes. के दौरान आपको producer बनने का वक्त ही नहीं मिला. No, not at all. And I chose not to. I mean, I think the only reason I'm able to do both of these things is I think I'm able to differentiate in my head when I'm wearing that hat and when I'm not wearing that hat. तो अभी जैसे जब मैं promotion कर रही थी. I had to play both roles because behind the scenes, you know, understanding the marketing and the strategy and all of that. But at the same time, whatever is going on behind the scenes, I cannot let that affect what I'm actually doing because we're putting the film out there and that energy is completely different. Yes. So I think, or like shooting ke dauran, I didn't think about it at all. Mm-hmm. I could have, I chose not to. Because for me, at that point, I'm the actor and that's it. I just switch off from everything else. So I think it's been a great learning for me, even at a personal level, like what role am I playing at which point? But it's also been very fulfilling. So today when, you know, we see so much impact through this film, it's a very fulfilling, it's been a very fulfilling journey. And God bless you because I know emotionally aap kitni drained hui ho. Uske baare mein koi aur din lungi. I've really exhausted my time here. Lob cut, I had to, kyunki maine methi dana dala mere baalon mein. And it got stuck. I had what? To cut my hair, like, yeah, that was my reason of cutting my hair. How am I looking? Vaise? It's amazing. Haan. Yeah. But aap ne kyun kaate baal? Kyunki main ek film karne ja rahi hoon. इसीलिए जस्ट द लास्ट क्वेश्चन, दो साल के ब्रेक के बाद अगर सी ऑन बिग स्क्रीन वी आर एक्साइटेड, लेकिन ये कैसे रहे शादी का एक साल पूरा हुआ है, हाउ डज इट फील, हाउ इज फील? इट्स अ लॉट ऑफ फन, इट्स अ लॉट ऑफ फन, बीइंग मैरिड इज अ लॉट ऑफ फन. या या, एंड यू रेकमेंड इट टू एवरीवन? 100%. आई वांटेड टू बी मैरिड फ्रॉम द टाइम आई वाज अ लिटिल गर्ल. आई वांटेड टू बी मैरिड. आई ड्रीम्ड ऑफ दिस अमेजिंग वेडिंग एंड लाइक एवरी गर्ल, यू नो, आई थिंक एवरी गर्ल ड्रीम्स ऑफ, आई डोंट नो इफ इट्स डिफरेंट नाउ, बट विद ऑल माई फ्रेंड्स यू आर ऑलवेज लाइक शादी ऐसे होगी या शादी कब करेंगे. इट्स लाइक अ, आई डोंट नो, इट्स अ थिंग, एन इवेंट ऑफ योर लाइफ. या एटलीस्ट फॉर मी इट वाज, आई कांट से दैट फॉर एवरीवन, फॉर मी इट वाज पर्सनली. एंड मोर देन दैट, आई थिंक द पार्टनर दैट आई फाउंड, आई थिंक वी जस्ट ग्रेट टुगेदर. ब्लेस यू एंड ब्लेस हिम. आई होप ऑल द टियर्स हैव बीन ड्राइड अप नाउ बिकॉज़ आई सी यू प्रमोटिंग दिस एंड आई फील लाइक ओ माय गॉड, आई हैव टू वॉच दिस मूवी 10 टाइम्स. आपका ऋण है एक्चुअली इस देश पे. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑलवेज इंस्पायरिंग अस. थैंक यू. एंड आई कांट वेट टू बी अ थिएटर माय सीट. राजी वाज लाइक इनसेन. Even scarier. Thank you, Vikrant, so for being such thanks. A graceful man. Thank you. Radio City.